हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो दोस्तों, आज अपने होम ग्राउंड में उतरी थी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी टेबल टॉपर एफसी गोवा के खिलाफ। और इस मैच से पहले सीरियसली मैं कह रहा हूँ, एफसी गोवा फेवरेट टीम थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के बारे में मैंने आप सभी को प्रीव्यू वीडियो में ही बता दिया था कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी यहाँ पर सभी को शॉक कर सकती है अपने रिजल्ट के द्वारा, अपने परफॉर्मेंस के द्वारा। तो दोस्तों, आज काफी ज्यादा शॉकिंग लगा कि नेस्टर एल्बियाक और इप्सन मेलो जैसे खिलाड़ी नहीं थे प्लेइंग 11 में, ना ही रिजर्व बेंच में। तो दोस्तों, आखिर उनको हुआ क्या है, इसके बारे में कोई डिटेल्स तो है नहीं। लेकिन अगर मैच के बारे में बात करें तो मैच शुरुआत होता है और एफसी गोवा अपना पासिंग फुटबॉल खेलना शुरू करती है और 20वें मिनट में नुहा सद्दुई के एक शानदार क्रॉस के जरिए स्ट्राइकर कार्लोस मार्टिनेस स्कोर कर देते हैं हेडर से। और वो सेव वाला बॉल था जहां पर मिर्शाद मिचू फिर से गलती किया और 1-0 से नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी 20वें मिनट में ही पिछड़ गई थी। लेकिन दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के पास एक शानदार मौका आता है पार्थिव गोगोई के एक शानदार क्रॉस के जरिए, जहां पर जितिन एमएस स्कोर करते हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के लिए 26वें मिनट में, और स्कोर लाइन 1-1 हो जाता है। और जितिन एमएस के पास एक बार फिर से मौका आता है जहां पर ओपन गोल था, लेकिन जितिन एमएस वो ओपन गोल को मिस कर देते हैं और इसी के साथ फर्स्ट हाफ का खेल 1-1 पर खत्म होता है। और सेकेंड हाफ में भी ऐसा ही परफॉर्मेंस चल रहा था और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी सॉलिड डिफेंस के कारण जानी जा रही थी इस मैच में। और जुआन पेद्रो बेनाली विदाउट नेस्टर एल्बियाक और इप्सन मेलो, क्या ही परफॉर्मेंस क्या है। और हाँ, शुरुआती मिनटों में ही स्टार डिफेंडर मिचेल जुबैको इंजरी के कारण बाहर हो जाते हैं, जो कि काफी ज्यादा चिंता का विषय था उस टाइम। लेकिन उनके रिप्लेसमेंट में यासिर हामिद आकर एक शानदार गेम प्ले करते हैं और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी को ड्रॉ पर ये मैच को खत्म करवाते हैं। तो यहां पर चिंता का विषय जरूर है मिचेल जुबैको के लिए कि आखिर उनका इंजरी कितना सीरियस है, इसको लेकर कोई डिटेल्स अपडेट तो नहीं है। लेकिन दोस्तों, आगे कुछ और अपडेट आएगा तो मैं आप सभी से जरूर डिटेल्स में शेयर कर दूंगा मिचेल जुबैको के इंजरी से रिलेटेड। और मैच के बारे में बात करें तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने ड्रॉ किया है, लेकिन दोस्तों ड्रॉ एक विन के जैसा है, क्योंकि एफसी गोवा को रोकना किसी भी टीम के लिए अभी तक काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। लेकिन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का जैसे कि रिकॉर्ड रहा है कि अपने होम ग्राउंड इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम में एफसी गोवा के खिलाफ शानदार परफॉर्मेंस करती है और हारती नहीं है, और वही रिकॉर्ड कायम रखने में कामयाब रही है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी, जो कि काफी अच्छा खबर है। तो अब आईएसएल में लगेगा ब्रेक और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का ये सीजन का फर्स्ट हाफ काफी अच्छे से खत्म हुआ है।